हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 7 साइंस का चैप्टर 5 पढ़ेंगे बच्चों, जिसमें हमें पढ़ना है पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन। क्या पढ़ना है? पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन। इससे पहले बच्चों, इस चैप्टर के एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसमें हम लोगों ने समझा था कि रासायनिक परिवर्तन कहते किसे हैं। अगर हम एक डिफिनेशन की भाषा में देखें कि रासायनिक परिवर्तन होता क्या है, तो ऐसा परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थों का बनना होता है, यानी कि एक ऐसा रिएक्शन, एक ऐसा अभिक्रिया होता है जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, तो वह उस परिवर्तन को क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन। और इसमें होता क्या है? तो कुछ जैसे कोई भी एलिमेंट्स है, उनमें एक या एक से अधिक जो एलिमेंट्स हैं, उनमें क्या होता है, वो जो दोनों आपस में एक दूसरे से मैच करते हैं, मिलते हैं, तो क्या होता है, उनमें रिएक्शन होता है। रिएक्शन के द्वारा क्या बनता है? नए नए चीज़ें बनती हैं। ठीक है, तो बहुत सारी प्रक्रिया है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और इसमें जो भी बातें हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है, उसको स्किप करते हुए हम लोगों ने जहाँ से फर्स्ट वीडियो में छोड़ा था इस चैप्टर का, वहाँ से आगे बढ़ाते हैं। अगर आपने इस चैप्टर का पहला वीडियो नहीं देखा है, तो प्लीज़ जा करके उस वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, तो चीज़ें जो है वो बहुत ही आसानी से समझ में आएंगी। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। और बच्चों, हम लोगों ने देखा था हमें पढ़ना कहाँ से है, तो हमें पढ़ना है कार्बन डाइऑक्साइड की कहानी से। कहाँ से पढ़ना है? कार्बन डाइऑक्साइड की कहानी से। अब सबसे पहले सीखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड है क्या, और इसका पता कैसे चला, और कौन कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पता लगाया, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लाइफ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, हमारे डे टू डे जो लाइफ है, जीवन है, उसमें क्या क्या चेंजेस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से हमें क्या फायदा, हमें क्या नुकसान है, इन सारी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले बच्चों, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट है? कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, मेरे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, और ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो क्या कर रहा है यहाँ पे, कि हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं, कि कार्बन डाइऑक्साइड जिसे क्या बोलते हैं, उसका रासायनिक फॉर्मूला क्या है? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं? CO2। तो या तो CO2 बोले या फिर कार्बन डाइऑक्साइड बोले, बात क्या है, सेम है, मतलब दोनों का मतलब सेम ही है। और कार्बन डाइऑक्साइड है क्या? तो एक गैस है। क्या है? गैस है। जैसे हम लोगों ने पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ी है, जैसे क्या है, ठोस हो गया, द्रव हो गया, और गैस होता है। तो पदार्थ के मोटे तौर पर देखा जाए तो ऐसे तीन ही हम लोगों को पढ़ना होता है, लेकिन होता कितना है, पदार्थ कितनी अवस्था होता है? पांच अवस्था में होता है। तो हम लोग आप लोगों को क्या पढ़ाया गया? तीन अवस्था के बारे में पढ़ाया गया है। कौन सा? ठोस, द्रव और गैस। तो जो CO2 है वो है क्या? तो CO2 एक गैस है। ठीक है, जो हमारे जीवन के लिए क्या है, कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक होती है। यानी कि जो CO2 है वो हमारे जीवन के लिए जो बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं उनमें आवश्यक होती है। जैसे फॉर एग्जांपल देखा जाए तो CO2 किस चीज़ के लिए आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। किस चीज़ के लिए बच्चों? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए। अब बोलोगे प्रकाश संश्लेषण का क्या मतलब है, कैसे बोलेंगे कि प्रकाश संश्लेषण? तो हम लोग जानते हैं बच्चों की जैसे जिस प्रकार से हम लोगों को खाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। जैसे हम लोग क्या खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, तो उसी तरीके से जो पेड़ पौधे होते हैं, तो पेड़ पौधों में भी लाइफ होता है, पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, तो पेड़ पौधों के लिए भी भोजन की आवश्यकता होती है। तो पेड़ पौधे भोजन क्या करते हैं, क्या उनको कोई बना के देता है? नहीं, वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो उस प्रोसेस को, यानी कि जिस प्रोसेस के माध्यम से पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलते हैं बच्चों प्रकाश संश्लेषण। यानी कि इससे क्या पता चला कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या मदद करता है, तो पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाने में मदद करता है। क्या करता है? पेड़ पौधे, अगर CO2 ना रहे तो पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे और पेड़ पौधे जिंदा नहीं रह पाएंगे। इसलिए पेड़ पौधों को जीवित रहने के लिए, पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए भी कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? CO2 गैस की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ दूसरा देखें, और भी CO2 का क्या लाभ है, तो CO2 जो वो श्वसन प्रक्रिया के माध्यम से वो शामिल होता है। सो हमारे श्वसन प्रक्रिया में भी CO2 शामिल होता है। कैसे? तो जैसे देखो बच्चों, हम लोग पढ़े हैं क्या कि हमारे शरीर में ऊर्जा की आपूर्ति कैसे होती है, हमारे शरीर में जो भी एनर्जी मौजूद है उसका दहन हो, उसका कम्बशन हो, और जब उसमें दहन होता है तो क्या मिलता है, हमें ऊर्जा मिलती है। तो हमारे जितने भी सेल्स हैं, हमारे जितनी भी कोशिकाएं हैं, उनको क्या चाहिए, श्वसन, उनमें भी श्वसन होता है। तो श्वसन में किस चीज़ की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ऑक्सीजन कहाँ से, वायुमंडल से हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और वो हमारे हीमोग्लोबिन से
रिएक्शन करके ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाते हुए पूरे सेल्स तक पहुंचता है, और जब ये सेल्स जो कोशिकाएं हैं वो क्या कर देती हैं, वो ऑक्सीजन ले लेती हैं, और बाद में जब उनमें वो एनर्जी यूटिलाइज करते, तो एनर्जी यानी कि ऊर्जा का उपयोग करने के क्रम में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वो लोग छोड़ते हैं, तो वो जो बचा हुआ जो कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड निकला वो हीमोग्लोबिन से क्या करता है, रिएक्शन करता है। रिएक्शन करने के बाद फिर से क्या आता है, हार्ट में आता है, और हार्ट से कहाँ जाता है, ये जो CO2 है वो फेफड़ा में जाता है, और फेफड़ा से होते हुए कहाँ निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। यानी कि इस तरीके से हम कह सकते हैं क्या कि जब श्वसन की प्रक्रिया होती है तो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं, क्या करते हैं बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ कहाँ सम्मिलित हुआ, किस चीज़ में मदद करता है, तो एक तो प्रकाश संश्लेषण में, और दूसरा श्वसन में, किस में, श्वसन में ये क्या शामिल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होता है। तो दो चीज़ें हम लोगों ने सीखा। आगे देखो क्या बोला है कि इतनी महत्वपूर्ण गैस का पता कैसे चला। हम लोगों ने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड तो हम लोग हमेशा से छोड़ रहे थे, लेकिन क्या हमें पहले से ही पता था कि कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। तो क्या बोला है बच्चों कि क्या पहले से ही इसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मान लिया गया था, या फिर बाद में माना गया, अथवा कुछ क्रमबद्ध अध्ययन एवं प्रयोगों के निष्कर्षों के आधार पर यह बात सत्यापित हुई कि उक्त गैस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि CO2 है। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे पता चला, वैज्ञानिकों को कैसे पता चला कि यह कार्बन डाइऑक्साइड, इसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहेंगे। तो देखो बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड जिसे CO2 भी बोलते हैं, कि खोज की दिशा में पहला जो महत्वपूर्ण कार्य किया था वो किसने किया था, जॉन होल्टमैन ने किया था। किसने किया था बच्चों, जॉन होल्टमैन ने किया था। अब देखो इन्होंने कब किया था, तो 1630 में किया था। कब किया था, 1630 में होल्टमैन ने। अच्छा होल्टमैन किया क्या, होल्टमैन जो वैज्ञानिक थे उन्होंने किया क्या, कैसे पता लगाया कि CO2 है, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और वो एक्सपेरिमेंट था क्या, उन्होंने क्या किया था कि जो होल्टमैन साहब थे उन्होंने क्या बोला कि एक बंद पात्र लिया, बंद पात्र, पात्र का मतलब बर्तन, पात्र का मतलब क्या होता है, बर्तन। तो एक ऐसा बर्तन लिया जो कैसे हो, बंद हो, कैसा हो, बंद हो, और उसमें क्या किया उन्होंने, चारकोल को जलाया। क्या किया, चारकोल को जलाया। किसको जलाया, चारकोल को जलाया। यहां पे आप देख सकते हो कि ये क्या है, ये चारकोल है, और इसको होल्टमैन साहब ने क्या किया, जलाने का काम किया। क्या किया, होल्टमैन साहब ने चारकोल को जलाने का काम किया। अच्छा, एक बर्तन में चारकोल को लेकर के इसे जलाने का काम करते हैं कौन, होल्टमैन साहब। ये दिखाना चाहते हैं कि देखो CO2 कहीं ना कहीं तो है, अब कैसे है वो आगे बताएंगे। तो देखो क्या बोला कि एक बंद पात्र में चारकोल को जलाया, तो उन्होंने क्या पाया कि जलने के बाद जो बची राख है का द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब इसमें जो अमाउंट था, चारकोल के वास्तविक द्रव्यमान से क्या था, काफी कम था। फॉर एग्जांपल अगर देखो हम लोग, मान लो ये कोयला जो है, क्या है कोयला जो, इसको हम जलाते हैं लकड़ी से जो बना हुआ कोयला, उसको क्या बोलते हैं, चारकोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चारकोल बोलते हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो क्या बोला यहाँ पे कि जो लकड़ी से जलाने के बाद जो कोयला बनता है उसको क्या बोलते हैं, चारकोल। अब ये जो ओरिजिनल यानी कि जलने से पहले का जो वजन था, जो द्रव्यमान था इस चारकोल का, वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जलने के बाद ये जो बचा हुआ राख है, और ये जलने से पहले जितना इसका द्रव्यमान था, और जलने के बाद अगर हम तौलोगे तो देखोगे क्या कि उसका वजन कम होगा कि नहीं होगा। आप लोग, हम लोग डेली क्या बोलते हैं, डेली लाइफ में इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, करते हैं, देखते हैं कि कोई भी चीज़ अगर बहुत बड़ा लकड़ी का गट्ठर है इतना सारा, और इसको जलाने के बाद कितना बचता है, इतना सा राख बचता है। तो इसका द्रव्यमान, इसका जो वजन है और इसका वजन है, क्या दोनों में अंतर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो होल्टमैन साहब ने सोचा कि अरे जलाने से पहले इतना था, जलने के बाद इतना बच गया, इसका द्रव्यमान कम हो गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो इन्होंने बताया क्या कि इस आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला क्या कि चारकोल के द्रव्यमान में हुई कमी एक अदृश्य पदार्थ में परिवर्तित हो गई। यानी कि जो चारकोल का द्रव्यमान ऑलरेडी अवेलेबल था, जो पहले से मौजूद था, उसको जलाने के बाद इसके द्रव्यमान में कमी आ गई, तो बाकी का द्रव्यमान गया कहाँ पे। तो उन्होंने बताया कि ये जो है वो एक अदृश्य पदार्थ में, किस कौन से पदार्थ में, अदृश्य पदार्थ में, जो हमें दिखाई न दिया ऐसे पदार्थ में क्या हो गया है, ये परिवर्तित हो गया है, यानी कि चेंज हो गया, इसमें बदलाव आ गए हैं। अब इससे उन्होंने क्या बताया, उन्होंने जिससे उन्होंने गैस नाम दिया, क्या बोला, गैस नाम दिया। यानी कि जो पहले लकड़ी का इतना बड़ा गट्ठर था, जो चारकोल का इतना बड़ा गट्ठर था, जलाने के बाद इतना सा बचा, थोड़ा सा बचा, तो उन्होंने बताया कि बाकी का द्रव्यमान इसका गया कहाँ पे, तो वो गैस में परिवर्तित हो गया। किसमें परिवर्तित हो गया बच्चों, गैस में परिवर्तित हो गया। जैसे कि हम लोग कोई चीज जलाते तो देखते धुआं ऊपर बहुत सारा निकलते रहता है, तो वो क्या हो रहा है, उसका द्रव्यमान कम हो रहा है।
उन्होंने सूक्ष्म जीवों द्वारा किण्वन और कुछ अन्य प्राकृतिक प्रक्रियाओं जैसे श्वसन में भी इसी गैस के बनने की पहचान की। यानी कि इन्होंने और भी देखा कि अच्छा, जलाने से तो CO2 बनता है, क्या और भी कोई ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है। तो हाँ बच्चों, बहुत से ऐसी प्रोसेस है। जैसे उन्होंने एक प्रोसेस के बारे में बोला था जिसको क्या बोलते हैं, किण्वन। क्या बोलते हैं? किण्वन बोलते हैं। अच्छा, ये किण्वन है क्या? इंग्लिश में इसे फर्मेंटेशन बोलते हैं। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन, 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 और हिंदी में इसे किण्वन बोलते हैं। अच्छा, ये किण्वन है क्या? तो जैसे कोई भी ऐसा खाने पीने की चीज़ें, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल राइस ले लो, चावल ले लो, या फिर भात बना करके पानी डाल करके छोड़ दो गर्मी के दिन में, तो देखोगे कि शाम तक क्या हो जाता है, उसमें बच 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 करने लगता है, तो ये बुलबुले निकलने लगते हैं, तो वो और उसमें से हल्का सा, और उसका स्मेल क्या हो जाता है, एकदम खट्टा टाइप का हो जाता है, महकने लगता है। तो उसमें क्या हो गया, उस वो जो प्रोसेस है जिसमें वो भात जो है वो क्या बन गया, एकदम सड़ने लगता है, गलने लगता है, और उसमें से बदबू निकलने लगता है और बुलबुले निकलने लगते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन वाला जो प्रोसेस है बच्चों, ये बहुत सारी चीज़ों में मदद ली जाती है। फॉर एग्जाम्पल शराब बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस अपनाया जाता है, फर्मेंटेशन वाला, यानी कि जो महुआ होता है, या बहुत सारी जो चीज़ें हैं जैसे बार्ली हो गया, जौ हो गया, इन सारी चीज़ों को क्या किया जाता है, किण्वन किया जाता है, उनका फर्मेंटेशन सड़ाया जाता है, सड़ा करके शराब बनाया जाता है गंदी चीज़ों से, ठीक है। तो ये प्रोसेस है किण्वन कहलाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब आगे क्या करा यहाँ पे, तो इन्होंने बताया कि इस तरीके से जो गैस निकलती है, यानी कि अब देखो जो गैस निकल रही होती है इस प्रोसेस से, इस तो ये निकलने वाली गैस को भी इन्होंने क्या बोला, होल्टमैन साहब ने बोला कि इसमें भी क्या निकल रहा है, CO2 निकल रहा है। तो हम लोगों ने देखा, अच्छा आगे आते हैं। अब देखो सन 1765 में, कब की बात चल रहा है बच्चों, 1765 की बात चल रहा है। 1765 में होता क्या है कि जोसेफ ब्लैक नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड के गुणों को ज़्यादा विस्तृत रूप में अध्ययन करने की कोशिश की। यानी कि जो जोसेफ ब्लैक एक साइंटिस्ट थे, जो कब 1765 में कार्बन डाइऑक्साइड के गुणों को ज़्यादा विस्तृत से अध्ययन करने का प्रयास किया, उन्होंने पाया कि चूने के पत्थर को गर्म करने अथवा अम्लों से क्रिया कराने पर एक गैस मुक्त होती है, जिसे क्या बोला ब्लैक ने, फिक्स्ड एयर नाम दिया। क्या नाम दिया? फिक्स्ड एयर, एयर नाम दिया। यानी कि चूने के पत्थर को अगर हम गर्म करने अथवा अम्लों से अभिक्रिया कराते हैं तो उससे एक गैस निकलती है, और वो गैस कौन सी है, इन्होंने बोला कि ये जो गैस है वो कौन सा गैस है, देखिए यहाँ पे पत्थर, चूना पत्थर का टुकड़ा है, इसको अगर हम पानी में डालते हैं तो देखो एक गैस बुलबुले टाइप का यहाँ पे दिख रहा होगा, एक गैस निकलती है, और उस गैस को उन्होंने क्या नाम दिया, तो उन्होंने बोला कि भाई CO2 ही है, और कोई दूसरा गैस नहीं बल्कि क्या है, CO2 है। बट इन्होंने उस समय क्या नाम दिया था, फिक्स्ड एयर दिया था। उन्होंने पाया कि फिक्स्ड एयर वायु की अपेक्षा अधिक भारी होती है, उन्होंने डायरेक्टली CO2 नहीं बोला बल्कि क्या बोला, उसका क्या नाम दिया, फिक्स्ड एयर नाम दिया, और उन्होंने बोला कि ये जो फिक्स्ड एयर है ना, ये वायु की अपेक्षा क्या है, अधिक भारी है। कैसी है? अधिक भारी है, यानी कि इसका वजन क्या है, ज्यादा है, तथा यह ज्वलन अथवा जीवन में मदद नहीं करती। यानी कि अगर तुम इसको श्वास के रूप में लो तो ये तुम्हें जीवन जिंदा रखने में मदद नहीं करेगी। जैसे हम लोग जिंदा रहने के लिए कौन सा गैस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, उस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड आपको जीवन जिंदा रहने में मदद नहीं करती है, तथा यह ज्वलन में भी मदद नहीं करता है। ज्वलन मतलब जलाने में, यानी कि जैसे अगर हम ऑक्सीजन न रहे तो कोई भी चीज़ें नहीं जलती, जैसा कि आप जानते हैं क्या कि ऑक्सीजन गैस न मौजूद हो, मौजूद न रहे तो कोई भी चीज़ को अगर हम जलाना चाहें तो वो जलेगी नहीं। उसी तरीके से तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी क्या है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में हम किसी भी चीज़ को जलाते हैं तो क्या हो जाता है, ये नहीं जलता है। तो ये कोई भी चीज़ों को जलाने में भी मदद नहीं करता है, जीवन में भी मदद नहीं करता है, तथा उन्होंने जब चूने के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया तो चूने का जलीय विलयन कैसा हो गया, दूधिया हो गया। क्या हो गया? दूधिया हो गया, यानी कि दूध जैसा दिखने लगा। वास्तव में कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण था, जो क्या था वास्तव में, कैसा दूध, क्यों दूधिया हो गया, क्योंकि इसमें क्या बन गया था, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया था। क्या बन गया था? कैल्शियम कार्बोनेट, जैसा कि इसमें आप देख सकते हो, ये जो जलीय विलयन है इसमें अगर हम CO2 डालते हैं तो क्या बन जाता है, ये दूधिया बन जाता है। लग रहा है कि जैसे इसमें क्या रखा हुआ है, दूध रखा हुआ है, ठीक है। अब आते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। इस आधार पर जोसेफ ब्लैक ने बताया कि जीवों में श्वसन की प्रक्रिया तथा सूक्ष्म जीवों द्वारा किण्वन की प्रक्रिया में कौन सी गैस बनती है,
कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, अब एक और गैस है जिसके बारे में क्या पढ़ना है, ऑक्सीजन के बारे में। देखो एक क्रियाकलाप है, कौन सा क्रियाकलाप है, क्या बोला है कि एक प्रकनली अथवा शीशी को पानी से पूरा भरिए और उसके मुंह को अंगूठे से बंद करके उल्टा कर दीजिए। प्रकनली को इस प्रकार उल्टा पकड़े हुए पानी से भरे बर्तन में खड़ा करके अपना अंगूठा हटा लीजिए। अंगूठा हटाने पर प्रकनली का पानी गिरना नहीं चाहिए। अब एक प्रकनली या गर्दन वाली शीशी में 2 से 3 ग्राम पोटेशियम पर मैग्नेट लीजिए। जैसा कि यहाँ पे आप क्या बोला है कि देखिए इस तरीके से हमें एक शीशी में पानी भर लेना है और पानी भर के अंगूठे से दबा करके यहाँ पे लाना है और ऐसे रख देना है। ठीक है, ये देखो ऐसे रख देना है और इसमें क्या रखना है, पोटेशियम पर मैग्नेट रखना है। क्या रखना है, इस शीशी में पोटेशियम पर मैग्नेट को गर्म करना है और गर्म करके एक पाइप के सहारे यहाँ से ला करके इसमें ऐसे डालना है कि ये शीशी के पानी से जो भरा हुआ शीशी है उसमें चला जाए। चित्रानुसार उपकरण को व्यवस्थित करिए। प्रकनली या शीशी पकड़ कर खूब गर्म कीजिए। शीशी में लिए गए पोटेशियम पर मैग्नेट का क्या हो रहा है, पानी से भरी शीशी में कोई गैस जमा हो रही है कैसे बताइएगा। तो बोल रहा है कि आप करके देखिए, देखोगे कि यहाँ पे एक गैस इकट्ठा होने लगती है। क्या इकट्ठा होने लगती है बच्चों, यहाँ पे ऊपर में पानी के ऊपर में शीशी में एक गैस इकट्ठा होने लगती है। बोल रहा है क्या कि शीशी को गैस से भरकर अच्छी तरह से पानी के अंदर ही ढक्कन डाल देते हैं, फिर उसे अब एक सुलगती अगरबत्ती को गैस से भरी शीशी में डालिए। हुआ क्या, तो बोला यहाँ पे क्या कि क्या अगरबत्ती जलने में शीशी को गैस खर्च हो जाती है, क्या यह गैस पहले से थी या नया पदार्थ बना है। यानी कि देखोगे कि जब यहाँ पे अगरबत्ती इसमें डालते हैं इस शीशी में तो क्या हो जाता है कि अगरबत्ती बहुत तेजी से जलने लगती है, क्योंकि इसमें क्या बना है, ऑक्सीजन गैस बना है। जैसे देखो पोटेशियम पर मैग्नेट ये है, जिसका रासायनिक फॉर्मूला क्या है, KMnO4। क्या बोलते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट को का रासायनिक फॉर्मूला क्या है, रासायनिक सूत्र KMnO4 है। ठीक है, और इसको गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है, ये ऑक्सीजन बन जाता है और अन्य पदार्थ बनते हैं। अब देखो ऑक्सीजन की कहानी पढ़ लेते हैं। जैसा हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड की कहानी पढ़ा, उसी तरीके से ऑक्सीजन की भी कहानी पढ़ते हैं। तो क्या बोला है यहाँ पे कि 1771 में जोसेफ प्रिस्टले, कौन सा व्यक्ति, जोसेफ प्रिस्टले ने कब 1771 में जलती मोमबत्ती को जार में ढककर रख दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्होंने क्या किया, एक जलती हुई मोमबत्ती को जार मतलब बर्तन, तो इस बर्तन में ढक करके क्या कर दिया है, रख दिया है। थोड़ी ही देर में मोमबत्ती क्या हो जाती है, बुझ जाती है। क्या हो जाती है, बुझ जाती है। जैसे हम लोग क्या करते थे, अब तो लालटेन नहीं है, लालटेन से नहीं पढ़ते हैं, अब तो क्या है, लाइट से पढ़ते हैं बिजली आ जाने के कारण। लेकिन जब लाइट कट जाती थी और गर्मी के दिनों में हम लोग पढ़ते थे, छत पे जा करके आराम से बैठ के पढ़ाई करते थे और लालटेन से पढ़ना होता था, लाइट लंबे समय तक के लिए कट जाती थी, तो क्या करते थे हम लोग कि ये लालटेन का जो छेद होता है, ऊपर से देखोगे कि एक शीशा लगा हुआ है और ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं, तो क्या करते थे कि पेज को फाड़ करके और उस छेद को बंद कर देते थे, ऐसे ऐसे पकड़ के बंद करते थे। तो धीरे धीरे देखते थे कि लालटेन की जो लौ है, जो जल रही है, वो धीरे 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 मध्यम होते 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 बुझने लगती है, और जैसे ही हम लोग पेज को हटाते थे और छेद को खोलते थे, वैसे वैसे फिर से क्या हो जाता था, लाइट आ जाता था। मतलब वो जो उसमें जो लौ है, उसकी जो लौ है उतनी तेजी से ही जलने लगती है जितनी पहले से जलती है बंद करने से पहले। तो इससे क्या पता चलता है, हम लोग तो बचपन में ही ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट करते थे, तो क्या हो गया कि ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले से करके देख ली है। तो उसी तरीके से जोसेफ प्रिस्टले ने क्या किया था कि एक मोमबत्ती जलाई और मोमबत्ती आने के बाद एक शीशे का जो जार है यहाँ पे रख देते हैं, इससे क्या हो जाता है कि मोमबत्ती थोड़ी ही देर में बुझ जाती है। इस तरह यह प्रयोग जीवों, पक्षियों एवं छोटे जंतुओं के साथ भी दोहराया और पाया कि जीवों का जीवन भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जैसे हम अगर नाक और मुंह बंद कर दें तो क्या हो जाएगा, हम भी सांस अगर नहीं ले पाएंगे, हमें भी ऑक्सीजन अगर नहीं मिल पाएगा तो क्या हो जाता है, आदमी भी या फिर कोई जीव भी अगर उसको ऑक्सीजन न मिले तो क्या हो जाएगा, मर जाता है। जब उन्होंने किसी जार को ढक कर रखा जाता है, ठीक उसी तरह जिस तरह मोमबत्ती बुझ जाती है, यानी कि जीवन भी बुझ जाता है। ठीक है, अब देखो, अब प्रिस्टले ने इस जार में पुदीने की एक टहनी डाली। इन्होंने क्या कहा कि भाई ये बुझ तो गया है, बुझ गया है, यहाँ पे देख सकते हो। तो जब बुझ गया तो इसमें एक काम करते हैं, यहाँ पे ना एक पुदीने की टहनी डालते हैं, पुदीना की। ठीक है,
कहनी डालते वक्त यह सावधानी रखी जाए कि जार के अंदर की हवा और बाहर की हवा आपस में न मिल पाए, यानी कि ऐसे रख देना पुदीने को कि ये जो जार को कि इससे हवा जो है वो आर पार ना हो, बाहर ना हो, ठीक है। 10 दिन बाद जब मोमबत्ती को फिर से जलाया गया तो वह जलने लगी। अब बोलोगे कि जलाएंगे कैसे, तो अगर उठा के जलाएंगे तो ऑक्सीजन तो आ ही जाएगा, तो ये तो जाहिर सी बात है जलेगी। लेकिन बच्चों जब प्रिस्टले साहब ने ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि मोमबत्ती को जलाने के लिए जार को हटाया नहीं गया था, बाहर से ही लेंस की मदद से उसे क्या किया गया था, जलाया गया था, ठीक है। अब देखो प्रिस्टले ने निष्कर्ष निकाला था कि पुदीने ने हवा को फिर से शुद्ध कर दिया है। आज हम कह सकते हैं कि मोमबत्ती के जलने से ऑक्सीजन खर्च हो गई थी और कार्बन डाइऑक्साइड बन गई थी, जो पुदीने की टहनी ने इस कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके क्या कर दिया, ऑक्सीजन पैदा की, इसलिए मोमबत्ती फिर से जल सकी। फ्रांस के एतोन लेवाइजे ने भी प्रिस्टले से सुना था कि कैसे उन्होंने हवा में ऑक्सीजन अलग की और ऑक्सीजन के गुण क्या है। लेवाइजे ने स्वतंत्र रूप से प्रिस्टले की प्रयोगों की क्या की थी, पुष्टि की थी, एक साइंटिस्ट थे लेवाइजे। इसके कुछ ही समय बाद यह पता लगा कि पानी एक अवयव ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन को हवा या ऑक्सीजन में जलाने पर क्या प्राप्त होता है, पानी प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखो पदार्थों के नाम और संकेत की कहानी, तो इसको बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।